हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद दोस्त अच्छे हो गए। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा साइन 100cc बाइक का रिव्यू। फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको बड़ी सी हेडलाइट मिलती है जिसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, और साइड में आपको देखो ब्लू सिल्वर और ब्लैक कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट मेरे को कलर यही लगा, सिल्वर ब्लैक और ब्लू। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है मैट ब्लैक कलर में, और इसका जो मडगार्ड है वो भी मैट ब्लैक में आपको मिलता है। साथ में आपको इसके ऊपर रिफ्लेक्टर मिलता है। अलॉय देखने में काफ़ी मजबूत और काफ़ी हैवी लग रहे हैं देखने में, और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। साइड से मैं आपको ब्रेक सिस्टम दिखाता हूँ, इस बाइक में आपको क्या ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। पर्सनली ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू वाला, काफ़ी अच्छा लगा। देखो कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक में आपको देखने को मिलता है। पिछली लगाओगे तो अगली लगेगी, अगली लगाओगे तो पिछली भी लगेगी, मतलब एक ब्रेक पे पूरा फोकस नहीं आएगा। ये आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, और आपको इस बाइक के अंदर 98.98cc का 4-स्ट्रोक एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि SI टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। 9 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, 168mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, और फ्यूल टैंक पे आपको होंडा का लोगो देखने को मिलता है। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव सी जो है इस कलर कॉम्बिनेशन में जो बाइक है होंडा साइन 100cc काफ़ी अच्छी लगती है। बात करें सीट लेंथ की तो 677mm की इसकी सीट लेंथ है, हाइट जो है 786mm की इसकी रहने वाली है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस बाइक में आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी एवरेज अच्छी निकालता है। ये अपना 98cc का एयर कूल इंजन जो FI टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। रिफ्लेक्टर्स में आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं सिल्वर कलर में। ये आप अपना लेग गार्ड लगवा सकते हो, और ये अपना कैथलेटिक कन्वर्टर इसका रहने वाला है। और जो साउंड है इसकी वही है जो स्प्लेंडर वगैरह की जो बाइक आती है ना, सेल्फ स्टार्ट में ये जो बाइक देखने को मिलती है। साथ में इसमें आपको किक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रियर में आप ट्विन सस्पेंशन देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी है। और साइलेंसर पे आपको सिल्वर कलर की बड़ी सी पत्ती देखने को मिलती है, जो कि आपके पैर को भी बचाएगी और आपकी सेफ्टी भी जरूर करेगी। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी जिसकी जो साइज है 110mm का देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छा है यार। 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाले बंदे के लिए बहुत बढ़िया है, घर में फैमिली में एक बाइक रखने के लिए भी बहुत बढ़िया है। हल्की नहीं है, बढ़िया बाइक है। होंडा के जो दीवाने हैं, होंडा साइन के जो दीवाने हैं उनके लिए रहने वाला, E20 का जो मॉडल है ये रहने वाला है। बहुत अच्छी मेरे को तो पर्सनली बाइक लगी। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो दिवाली पे होंडा साइन बाइक करने की 110cc की, तो एवरेज भी आपको काफ़ी अच्छी देगी। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि आपको स्पीड, फ्यूल, न्यूटन, साइड स्टैंड और लो बीम, हाई बीम और अपना इंडिकेटर का दिखाई गया। स्विचेज आपको देखने को मिलते हैं, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, सेल्फ का इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बाइक है, और होंडा साइन का ही वाइजर सा जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। ये आपका 9 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ये सीट है काफ़ी अच्छी, मतलब मेरे को पर्सनली ये जो बाइक है लगी है। आप प्लानिंग कर रहे हो तो रियर की जो टेल लाइट है वो देखने को मिलती है, लेट टेल लाइट के नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। काफ़ी अच्छी जो है ये बाइक है। एक हॉर्न मिलता है जो कि सफिशियंट है सिटी के लिए, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा लोगों को, ठीक है। कुछ ऐसी ये बाइक रहने वाली है दोस्तों। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, एवरेज भी अच्छी देगी, लो मेंटेनेंस है, होंडा की बाइक है, साइन एक अपने नाम से बिकती है, तो साइन आपको ये बाइक देखने को मिलती है। चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।